आज की रेसिपी है ऐसा जिसकी स्वाद मेरी जुबान बयां न कर पाए। एक बार कोई इसे खाए तो बार बार खाने को जी लल जाए। चावल और गुड़ की मिलन से बनी ये स्वादिष्ट सी पकवान वो आज की नहीं सदियों पुरानी जगन्नाथपुरी की रसोई की कहानी बताए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं जयश्री आप सबको स्वागत करती हूँ और एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पोड़े पिठा बनाने के लिए 2 गिलास चावल ले लेंगे। उसमें पानी डाल के 6 घंटा तक उसको भीगने के लिए छोड़ देंगे। 6 घंटा हो जाने के बाद चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे और एक स्ट्रेनर में सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे। फिर एक कपड़े के ऊपर भीगे हुए चावल को डाल के फैन के नीचे थोड़ी देर सुखा लेंगे। चावल को पूरा ड्राई नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा ही मॉइस्चर रहने देना है। बाद में उसको लाके ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद उसको साइड में रखेंगे। गैस के ऊपर एक कढ़ाई को बिठा के थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही कढ़ाई हल्का सा गर्म होगा हम उस पर 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और घी को भी थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही घी थोड़ा सा ही गर्म होगा हम इसमें जितना भी ड्राई फ्रूट्स डालना है वो डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं काजू, किशमिश और आलमंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके जगह पर दूसरा कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। सेम उसी कढ़ाई में हम 4 ग्लास पानी दे देंगे। पानी देने के बाद उसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा हम उसमें 1 तेज पत्ता, बारीकी से कटा हुआ कुछ अदरक के टुकड़े डाल देंगे। 1 ग्लास गुड़ का पाउडर इसमें डालेंगे। आप चाहे तो गुड़ के जगह पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो पीठा है उसमें ज़्यादातर गुड़ का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गुड़ से ये जो पीठा है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। दरदरा सा कूटा हुआ सौंफ को भी हम इसमें डाल देंगे। लौंग और काली मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे। दो बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची को भी कूट के इसमें डाल देंगे। उसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम ग्रेटेड नारियल को इसमें डालेंगे। साथ ही में कुछ नारियल के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल देंगे। एक चम्मच नमक, 2 चम्मच घी डाल के उसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये अच्छे से उबलने लगेगा काजू, किशमिश, आलमंड जिसको हमने हल्का सा फ्राई करके घी में रखा था वो डाल के अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये उबल रहा है। जैसे ही ये उबलने लगेगा सेम इसी टाइम में हमने जो चावल का पाउडर बनाया था वो एक हाथ से वो डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से उसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। एट ए टाइम दोनों ही काम करना है, उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अगर हम पाउडर के एक साथ डाल देंगे और मिलाएंगे नहीं तो उसमें गुठलियाँ बन जाएगा और जो पीठा है वो खाने के टाइम में वो गुठलियाँ जो होता है वो मुंह में आएगा और इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो कंटिन्यूसली एक हाथ में आप चावल का आटा डालते जाओ, दूसरे हाथ में उसको मिलाते जाओ। अच्छे से मिलाना बहुत जरूरी होता है। इसी टाइम में आप अगर पानी का जरूरत होगा तो थोड़ा सा गर्म पानी आप साइड में करके भी रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर गर्म पानी भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये कढ़ाई में चारों तरफ से अच्छे से
निकल जा रहा है, मतलब उठ रहा है, तो इसका मतलब ये बन गया है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पोड़ो बेटा, आज हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसीलिए एक प्रेशर कुकर के अंदर 2 चम्मच घी डाल के हाथ से अच्छे से चारों तरफ लगा लेंगे और प्रिपेयर किया हुआ डो को इसके अंदर दे के हाथ में थोड़ा थोड़ा घी लेके एक राउंड शेप कर लेंगे। थोड़ा सा घी लेके उसको चारों तरफ इस तरह से दे देंगे। प्रेशर कुकर का कवर लेंगे, उसके ऊपर का व्हिसल हम निकाल लेंगे। अभी इसको हम क्लोज करके फिर एक पेपर लेंगे, पेपर को कोन शेप में बना लेंगे। जहां पर व्हिसल लगता है वहां पर जो होल है उसके अंदर ही एक कोन को हम डाल देंगे और गैस के ऊपर हम इसको लो मीडियम फ्लेम में बिठा देंगे। और जैसे ही एयर के प्रेशर से ये पेपर निकल जाएगा वैसे ही हम गैस को बंद करेंगे और प्रेशर कुकर को नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा होने तक छोड़ देना है, उसके बाद ही इसको खोलना है। प्रेशर कुकर अगर गर्म होगा आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पीठा टूट जाएगा। तो कम्प्लीट ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये दिख रहा है। अभी हम इसको निकालेंगे, एक नाइफ के हेल्प से हम चारों तरफ धीरे धीरे कट लगा लेंगे, फिर हाथ से इस तरह से हम इसको उठाएंगे। कितने अच्छी तरीके से ये निकल जा रहा है। मैं यहाँ पर दोनों हाथ से इसको फोल्ड करके निकाल रही हूँ और इजीली ये फोल्ड होके निकल रहा है। अभी हम इसको काट के सर्व करेंगे। जब तक मैं इसको सर्व करती हूँ आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।